हाँ जी भाई, तो क्या हाल चाल है? आ गए फिर से वापस। तो आज काफी दिन, मतलब नए साल की पहली वीडियो है 2024 की, काफी दिनों के बाद आ रहे हैं। तो कोई नहीं, फिर भी हैप्पी न्यू ईयर ना होने से तो बेहतर है, कभी तो आओ। ठीक है, तो अभी आज हमारा प्लान बना है घूमने का, और घूमने जा रहे हैं कहाँ? जैमरू एक्शन पार्क। तो यहाँ से लगभग 105 किलोमीटर है शायद, तो वहाँ पे जाएंगे और वाटर पार्क वगैरह है नॉर्थ, तो बहुत सारे मजे करने वाले हैं। स्टेडियम टिल दी एंड, लेट गेट स्टार्टेड। तो भाई इसमें डाल लिए कपड़े और कैमरा वगैरह सब ले लिया अपना। पता नहीं अंदर कैमरा ले जाने देंगे या नहीं देंगे, मतलब अंदर यूज़ कर सकते नहीं सकते हैं। तो अभी ये अपनी गाड़ी में सारा सामान रखते हैं। तो बाहर से तो साफ़ लग रही गाड़ी, अंदर से बड़ी गंदी हो गई है यार। तो भाई आज, मतलब आज का प्लान इसलिए बनाया क्योंकि आज थी धूप, मतलब बढ़िया करके, वरना अभी एक हफ्ते से बारिश हो रही थी। तो बारिश में भाई वाटर पार्क जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो इस वजह से हमने मेरी छुट्टी ली थी आज काम से। तो मैंने अपनी शिफ्ट स्वैप करी आज की, मतलब आज जा सके। तो आज अच्छा मौसम है, बढ़िया धूप धूप है, तो आराम से चले जाएंगे और घूम घूम लेंगे। तो फिलहाल अभी अपने भाई उनको तो जानते ही हो, अच्छा अभी चलते हैं भाई पहले बैंक स्टॉप, खाने का कुछ उठाते हैं, समोसे वगैरह, और मतलब वहाँ पर ले जाने के लिए बेसिकली। तो और कुछ भी देखते हैं, कुछ मतलब लगा खाने का ले जाने के लिए तो वो भी उठा लेंगे। फिलहाल अभी चलते हैं बैंक स्टॉप वगैरह। दोबारा से घर पे जाना पड़ रहा है, जो GoPro का SD कार्ड था वो घर पे रह गया है। सेम टाइम में भाई हमने फराज भाई को भेज दिया बैंक स्टॉप सेंटर के अंदर, ताकि समोसे ले आए और जो भी खाने पीने का है वो ले आए, और ताकि सेम टाइम में हम जल्दी जल्दी कर लें क्योंकि हम ऑलरेडी लेट चल रहे हैं अपने स्केड्यूल टाइम से। और क्योंकि शाम में वो एक्शन पार्क हो जाता भाई 5 बजे तक, लेट जितना लेट करेंगे उतना मतलब कम टाइम मिलेगा। ज़्यादा से जल्दी से जल्दी कोशिश करनी है, कर रहे हैं। घर पर जाके SD कार्ड उठाता हूँ, फिर भाई फराज भाई को बाहर से मतलब बैंक से बाहर से उठा लूँगा, फिर बस चलेंगे अपने रास्ते पर। तो वही सीन ऐसा बना कि SD कार्ड रह गया GoPro का घर पे ही। ठीक है, मैंने देखा नहीं, घर पे चेक नहीं करा, मैंने चार्जर से उसको लगा दिया था, पर अंदर मैंने स्टोरेज वो कार्ड नहीं देखा। मैंने ट्रांसफ़र करे होंगी वीडियोस वगैरह तो निकाला होगा, तो जगह ज़्यादा दूर नहीं गए थे हम, पास में थे तो आ गए। तो अभी चलते हैं SD कार्ड उठाता हूँ। हाँ जी भाई, तो घर पर आने का एक फ़ायदा जो हो गया, वही चचा ने केक दे दिया। अभी चचा बाहर गए थे, हम जब हम आए थे तो घर पर नहीं थे, अभी आए होंगे केक लेके कहीं से, तो बोले ये केक भी ले जाओ खा लेना बेटा। तो केक भी होगा, अब मतलब काफ़ी ज़्यादा सामान इकट्ठा करके ले जा रहे हैं। और वहाँ पे भी हैं मतलब रेस्टोरेंट वगैरह, और समझ रहे हो मैं क्या पता अपने मतलब कर नहीं मिला खाना, तो इसलिए पहले से तैयारी करके जा रहे हैं। इधर भाई मैकडॉनल्ड्स पर रुक गए हैं और भूख लगी है बहुत ज़्यादा भाई साहब, भूख लग रही थी, सुबह से कुछ खाया नहीं था, तो अब अपने बच गए, एक बच चुका है, तो हमने सोचा कुछ खा लेते हैं तभी चलते हैं, फिर जाते ही शुरू हो जाएंगे तो खाने वाने का इतना हो नहीं जाएगा, तो यहीं से खा के चल जाएंगे। तो भाई अपना आज ब्राउन आ गया, ये होता आलू का, और सॉस मंगा लिया और ड्रिंक भाई, इससे दो खा के तभी चलते हैं, और ताकि जल्दी जल्दी पहुँच जाए यार, जल्दी जल्दी फ्रेश करके। ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं यहाँ से, 15 मिनट की ड्राइव है भाई अभी, तो उसके बाद मौजी मौजे भाई पेट पूजा कर लिए भाई, अब चल रहे हैं गाड़ी की तरफ, 15 मिनट की ड्राइव और चल रहे हैं भाई, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। सर में तो यार अभी से दर्द होने लगा, नहा दो पता नहीं क्या होगा अभी, सर मतलब भारी भारी लग रहा है। रात भी ठीक से नहीं सोया, काम से लेट आया था, फिर मैं शायद 2-3 बजे सोया हूँ, इतने टाइम 2-3 बजे के टाइम सोया, 3 बजे के टाइम शायद, और सुबह में मैं 9 बजे उठ गया था, तब से जाग ही रहा हूँ, तो क्या थोड़ी बहुत ही नींद पूरी हुई है यार। तो फिलहाल अब जो भी है अब चल रहे हैं, और जैसा भी है देखेंगे यार, पहली बार जा रहा हूँ कोई वो नहीं है, और मेरे हिसाब से हम लेट हो गए काफ़ी ज़्यादा, और देखते हैं यार जब 3-4 घंटे मिलेंगे उसमें क्या कर सकते हैं, मतलब क्या क्या मतलब पता ही नहीं है मुझे उसमें कितनी राइड्स हैं, और तो जैसा भी होगा बाद में रिव्यू देंगे उसका।
भाई फाइनली हम पहुंच गए हैं और पार्किंग थोड़ी लेट मिली, मतलब थोड़ा दो चार चक्कर मार के तो फिलहाल मिल गई है। अभी 1:30 बजे आराम से और बहुत ज़्यादा तेज कितनी धूप हो रही है और मेरे हिसाब से अंदर काफ़ी रश होने वाला है और बहुत ज़्यादा पार्किंग देखते हैं अंदर एंट्री देखते हैं किधर से अंदर जाएंगे यार। भाई बहुत ऊपर आ गए, बहुत ये पहली राइड है और अभी देखते हैं यार मेरे हिसाब से मजा आने वाला है और दो मिनट हो गए चलते चलते अभी इतनी ऊपर नहीं बहुत ऊपर से मेरे हिसाब से सबसे टॉप पॉइंट यही है, ऊपर से सारा कुछ दिखेगा मेरे हिसाब से, मतलब पूरी पार्क दिखेगी और धूप इतनी तेज हो गई है बहुत ही ज्यादा, बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। जल्दी जल्दी पहुँचा दे, बहुत आराम आराम से चल रहा है यार। इधर से देखो भाई इतनी हाइट पर आवा, सब कुछ आसपास का सारा एरिया देख रहा है, भैंस की सारा एरिया देख रहा है भाई, सारा पूरी पार्क देख रही है सब। और सारी राइड थी जो थी वो कर ली पूरी और मतलब कैप्चर नहीं कर पाए क्योंकि हर राइड पे कैमरा और फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं था और मतलब सेफ नहीं था बेसिकली, तो इस वजह से राइड कैप्चर नहीं कर पाए और मतलब सारी, पर जो हमने एक फ़ोटो का ऑप्शन लिया था उसमें तो अभी देखते हैं वो स्कैन करते हैं उसमें से फ़ोटो वगैरह निकालते हैं, वो सारी चीज़ें हम डाल देंगे और बाकी अभी देखते हैं खाने पीने का। और अभी प्लान ये बनना है कि बोलोंग लोग जाके डिनर करेंगे और फिर घर जाएंगे, बाकी देखते हैं। ये भाई पार्क का पूरा मैप, ये इतना बड़ा पार्क है, मतलब सारी चीज़ें इसमें दिखा रखी हैं, फ़ोन पे भी आप डाउनलोड कर सकते हो और फिर जाके मतलब हर एक राइड का मज़ा ले सकते हो। ये सब कुछ हो गया, सब लोग जा रहे हैं, देखो हम भी जा रहे हैं, हम लेट आए थे बस यार लेट आए थे, इतना सब कुछ है, नेक्स्ट टाइम अगर कभी आएंगे तो फिर जल्दी आएंगे ताकि सारी राइड मतलब ईजीली ले सकें, क्योंकि यहाँ पर राइड लेने में थोड़ा टाइम लग रहा था, लाइन थी मतलब बहुत सारे लोग थे तो इस वजह से लाइन लग रही थी काफ़ी लंबी। अब क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट टाइम आएंगे तब ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। यहाँ पे मेमोरीज ले जा सकते हो भाई, यहाँ की जो राइड्स हैं उनके नाम पर हैं, पर मुझे कुछ ऐसा ठीक लग नहीं रहा है, देखता हूँ ठीक हो जाता हूँ, ठीक लगा तो दो हज़ार इसलिए मुझे नहीं। और ये देखो इसमें से कुछ लेगा भाई फराज भाई, अपने ज़रा बिजी हैं फोटो वोटो देखने में, पता नहीं क्या कर रहे हैं। अरे यार हमारा फ़ोन हो गया है ख़राब, ख़राब मतलब कैमरा ये वाला जो ऊपर वाला होता है, हमने एक राइड में हम ले गए थे तो ये देखो बिल्कुल ऐसा हो गया, दिख ही नहीं रहा जैसे वो होता है एंड्रॉयड फ़ोन बहुत पुराने ज़माने वाला, वैसा वाला सीन हो गया। अब उसको देखते हैं अभी क्या कर सकते हैं, मैंने वो वाटर इंजेक्शन तो करके देखा पर उससे मेरे हिसाब से कुछ हुआ नहीं, तो यार मतलब ऐसे कैसे दिखाऊं मैं, देखो मतलब यहाँ पे जो है पानी आ गया कैमरे पे, मतलब कहने का मतलब ये है, तो देखते हैं ठीक होता है नहीं होता, वरना फिर सर्विस सेंटर पर जाना पड़ेगा भाई। वही फाइनली उस लोकेशन पर ही पहुँच गए हैं अभी जस्ट नाउ, और अभी देखते हैं यहाँ पे जो वो एक शावर सा आता है गड्ढे में तो वो देखते हैं क्या सीन है उसका, अभी दिखाएंगे। तो अभी वही नीचे साइड में चल रहे हैं, उधर थोड़ा अंदर जाने का भी है ब्लॉक वगैरह पे, तो अभी उधर साइड में अब मतलब शायद फोटो वोटो भी क्लिक करने की ट्राई करेंगे वहाँ पे उसके साथ शावर के साथ, तो फिलहाल अभी नीचे जा रहे हैं, और कुछ बताने लायक है नहीं,
मौसम अब बहुत बढ़िया हो रहा है, धूप थोड़ी नीचे हो रही है, गर्मी कम हो रही है अब, और बस फोन ख़राब हो गया, इस चीज़ का अफसोस है बस। इधर बैठ के बड़ा सुकून है, ठंडी ठंडी हवा आ रही है, छाया भी है और ना अच्छा लग रहा है इधर बैठ के, मतलब एक नेचुरल सी वाइब आ रही है। ठीक है आज बहुत कर रहा हूँ और अच्छा लग रहा है यार। बैठ के इधर हमारे फराज भाई पता नहीं व्लॉग बनाने में लगे हुए हैं या फोटो देखने में लगे हुए हैं, पता नहीं किस चीज़ में बिजी है। लेट रहा हूँ मैं, नीचे मत चले जी, ऐसे लग रहा है मेरे साइज का बनाया, नीचे मत चले जी। आज ही यार बढ़िया लग रहा है यहाँ पे भी, दो चार फोटो खींचते हैं यार बस, बाकी फ़ोन मेरा यार डाउन हो गया है, जिसमें सिम है वो सब कम बंद हो जाएगा, क्या करें। अभी गाड़ी में थोड़े से चार्जर लगाने की कोशिश करेंगे, बाकी देखते हैं आप क्या होता है, अभी थोड़ी बहुत देर बैठ रहे हैं फिर चलते हैं। देखो देखो भाई बहुत सारे लोग हैं जो फिशिंग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग, थोड़े बहुत तेज़ उसमें भी फिशिंग कैसे कर लेते हैं यार, वो इधर मतलब किनारे पर आती हैं वो मछली, तो लहर उसमें समुद्र मछली होती है ना, तो है कितनी धूप कितनी तेज है यार। बढ़िया एकदम देखो कैसा आदमी है, मुझे गड्ढे में ढलवाता है, एक शॉट के लिए मुझे गड्ढे में ढलाया, हो गया शॉट भाई, और जाता हूँ मैं भाई साहब। ओफो अरे ओफो, घुटनों की एक्सरसाइज कर लो यहाँ पे आप, अच्छा उधर नीचे चले, हाँ वो चलो उधर चलते हैं, एक और लोकेशन मिली अभी दिखाता हूँ, अभी थोड़ी संभलते संभलते पहुंच जाऊं थोड़ा सा नीचे में, तभी दिखाता हूं। तो भाई ये उस जगह की दूसरी लोकेशन है और मतलब काफ़ी बढ़िया है, अब मतलब धूप भी बहुत ज़्यादा कम हो गई है और बिल्कुल ठंडा ठंडा मौसम हो गया, बिल्कुल एकदम कूल और काफ़ी बढ़िया, मतलब अच्छी वाइब आ रही है नेचुरल वाली, इधर साइड में मतलब ग्रीनरी हो गई, इधर रॉक हो गया और सामने समुंदर हो गया, तो एकदम बढ़िया अच्छी वाली वाइब आ रही है, जैसे आप वीडियो में देख भी पा रहे हैं होंगे, और इससे अच्छे से मैं फ़ोन से दिखा सकता था बट फ़ोन अब क्या कर सकता हूँ मैं, दूसरा वाला फ़ोन डाउन हो गया है तो उसमें भी मैं कुछ नहीं कर सकता, अब जो भी है ये इसी से काम चलाना है अब, तो कल थोड़ी देर यहाँ पर बैठते हैं फिर ऊपर चलते हैं लाइट हाउस दिखाएँगे एंड देन फिर चलेंगे वोलंगोंग की तरफ। हाँ जी तो अब फ़ोन भाई इसका फ़ोन भी डाउन हो गया, मेरा फ़ोन एक तो डाउन हो गया बिल्कुल, और ये वाला कैमरा ज़्यादा ठीक चल नहीं रहा है, तो जैसा भी है अब वो वाला फ़ोन मैं ऑन करता हूँ गाड़ी में जाने के बाद, चार्जिंग में लगाता हूँ, थोड़ी बहुत देर इधर उधर और घूमते हैं फिर चलते हैं भाई वोलंगोंग, और जैसा कि मैंने बताया वहाँ डिनर करेंगे, तो मैंने रेस्टोरेंट भी सर्च कर लिया है यहीं बैठे बैठे ताकि फिर बाद में टाइम वेस्ट ना हो, तो बस अब बस थोड़ी बहुत देर फ़ोन चार्ज करते हैं, दोनों का डाउन है तो फिर थोड़ा टाइम लगाएंगे चलते हैं। फोन कम चलाना चाहिए इसलिए, समझ रहे हो, अच्छे बच्चे बनो, अच्छे बच्चे नहीं बनो, तुमने दो फोन डाउन कर ली, मेरा तो एक करा, मैं एक ही तो डाउन हुआ मेरा, वो मैप की वजह से हुआ, अरे मैप और हॉटस्पॉट बहाने बहुत मिला था, मैप और हॉटस्पॉट। देखो भाई यार देखो मैं एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन को कनेक्ट करने के लिए भाई हॉटस्पॉट ऑन रहा मेरा, अच्छा पूरी रास्ता भाई मैप चला है, अच्छा ठीक है, तो दो डबल मैंने क्या करा, तुमने बस वीडियो बनाई, अरे अरे किधर जा रहे, इधर चल रहे ऊपर, तो बताओ किसका ज़्यादा लोड पड़ा, मैंने वीडियो भी बनाई है
मैप भी चला, हॉटस्पॉट भी चला। मैंने वहाँ जमेरू में ज़्यादा बनाई वीडियो। अच्छा तुमने बनाई नहीं, तुमने लॉकर में रख दिया था। पीछे का बहुत बढ़िया व्यू आ रहा है, वो पीछे वहाँ सुनहरा सुनहरा उधर बहुत ही एकदम शानदार है। तो यार अभी क्या कर रहे हो, जो बदतमीजी हो रही है याद देखो यार, कैसी बदतमीजी चलती है, अच्छी बात नहीं है। तो अब यहाँ से निकलने की तैयारी है और वोलोंगोंग भाई पहले जाना है, क्योंकि वहाँ पर डिनर करने का हमने प्रोग्राम बनाया था। वोलोंगोंग में हम कभी गए नहीं है, बस पास होते हुए निकल के गए एक दो बार। अब पहली बार वोलोंगोंग के अंदर जाएंगे और देखते हैं वहाँ का क्या सीन है और खाना खाएंगे। और फिलहाल और मैं फिलहाल बहुत कह रहा हूँ, कभी और कह रहा हूँ, कभी कुछ और कह रहा हूँ, मैं भूल गया क्या कह रहा था। तो अभी खाने का खाना खाएंगे यहाँ से वोलोंगोंग भाई 46 किलोमीटर, जिस रेस्टोरेंट में मैंने सर्च करा 46 किलोमीटर, तो आराम से 40 मिनट लग जाएंगे। और फराज भाई का भी फ़ोन ऑन हो गया तो ये भी शुरू हो जाएंगे। तो भाई अभी चल रहे हैं, फ़ोन मेरा जो है वो वाला जो मैप वाला भाई 12% कर लिया मैंने, तो पहुंच जाएंगे मेरे हिसाब से। हाँ भाई, तो फाइनली पहुंच गए भाई वोलोंगोंग, और भाई इधर बराबर में रेस्टोरेंट है, यहाँ पे मतलब आके आप खाना खाएंगे। रेस्टोरेंट का नाम है भाई मंजीत इंडियन रेस्टोरेंट, और भाई खाना वाना खा के अपना देसी खाना ही भाई अपने ठीक लगता है, खा लेते हैं और भी मतलब कंट्रीज़ का, लेकिन देसी खाना भाई अपना पेट भर जाता है। सुबह से कुछ ठीक सा मील लिया नहीं था, तो हमने सोचा भाई एक अच्छा प्रॉपर खाना खा के तभी वापस भाई सिडनी चलेंगे। तो अभी यहाँ से भाई सिडनी की 1 घंटे की ड्राइव है, तो अभी खाना खा के और देखते हैं, अगर इधर कुछ आसपास में कुछ घूमने का हुआ तो वहाँ चलेंगे, वरना फिर सीधा वापस सिडनी भाई। भाई एकदम पीस एंड क्वाइट एनवायरनमेंट है बाहर, एकदम बढ़िया वो भी है डाइनिंग एरिया, खाना भी मेरे हिसाब से टेस्टी होगा जब इतना बढ़िया करके रखा है मेंटेन, और खाने के रेट देंगे बाद में। तो इंतज़ार करते हैं, खाने का ऑर्डर कर दिया है, क्योंकि उन्होंने बोला कि भाई ऑर्डर कर दो, हम रेस्टोरेंट क्लोज करने वाले हैं, टाइम हमारा 9 बजे आए थे, ओनली इनका 9:30 बजे बंद होता। नहीं ये लेमन लाइम आ गया, हाँ टेस्ट करता हूँ क्या था टेस्ट है। तो भाई अभी आ गए घर पे बिल्कुल अभी, और शूज़ उतार दिए मैंने, मैंने उतार दी सुबह से, काफ़ी टाइम से पहना हुआ था, बड़ा अजीब सा लग रहा है घर पे आके, तो गर्मी लग रही है मतलब टेम्परेचर काफ़ी है आज, तो शूज़ उतार के मैंने सोचा पहले इसको रैप अप करा जाए और फिर भाई आराम से लेटा जाए, कपड़े वपड़े उतारे जाए, बस आराम से लेट जाए सुबह काम है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अगर इन्जॉय करो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट डाउन कर दें, और कुछ नया अपडेट चाहिए हो तो ज़रूर से, और चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मैं पूरे रूम में घूम गया हूँ, क्या क्या कर रहा हूँ। तो फिलहाल मुद्दे ही बात है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। तो फिलहाल मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।